हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण पांच सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो पांच सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी साफ दिखाई नहीं देती है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। अगर किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष हुआ रहता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, या तो रेटिना के आगे बनेगा, नहीं तो रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि दृष्टि दोष क्या है। आइए अब समझते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, और दृष्टि दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा एमीटर और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा वोल्ट मीटर, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर, एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। जो एमीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, और इसमें देख लीजिए वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। जो वोल्ट मीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, लेकिन जो एमीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं दूसरा अंतर। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो एमीटर होता है इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसे देख लीजिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसको विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर जो होता है इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। आइए देखते हैं तीसरा अंतर। इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो स्केल होता है वो एम्पियर में अंकित होता है, और इसमें देख लीजिए इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो स्केल होता है ये वोल्ट में अंकित रहता है, और एमीटर जो होता है इसका जो स्केल होता है ये एम्पियर में अंकित रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि को लिखना है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा के लाभ देखेंगे। तो आइए पहला लाभ देखते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसके धारा के मान को बढ़ा या घटा सकते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसको हम ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका जो धारा का मान होता है, इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये हो गया पहला लाभ। अब यहाँ पे हम दूसरा लाभ देखेंगे, इसे दूर दूर तक भेजा जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसे दूर दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा लाभ। अब हम यहाँ पे तीसरा लाभ देखेंगे, इसके विद्युत वाहक बल को कम करके 6 वोल्ट से कम के भी उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसके विद्युत वाहक बल को कम करके 6 वोल्ट से भी कम का भी उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया तीसरा लाभ। अब यहाँ पे देखिए चौथा लाभ, प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली द्वारा ऊर्जा हानि को नियंत्रित किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा को क्या किया जा सकता है कि चोक कुंडली के द्वारा जो ऊर्जा हानि होता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के यहाँ पे 4 लाभ हैं। अब यहाँ पे हम प्रत्यावर्ती धारा के हानि को देखेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा के यहाँ पे हानि देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा से बैटरियों को आवेशित नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा से हम बैटरियों को चार्ज नहीं कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए एक डिवाइस लगता है, ये क्या करता है कि प्रत्यावर्ती धारा को लेता है, फिर एसी को क्या करता है, डीसी में बदल के बैटरी को चार्ज करता है। तो डायरेक्ट हम प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी को आवेशित नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहला हानि। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हानि देखिए, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपित नहीं किया जा सकता। जो प्रत्यावर्ती धारा है, इससे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया दूसरा हानि। ये तीसरा हानि देखिए, ये अत्यधिक हानिकारक होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसका जो करंट होता है, वो बहुत हानिकारक होता है, इससे जान भी जा सकता है। तो ये इसके लाभ और हानि है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एक बगल मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला अंतर, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और इसमें देख लीजिए यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे, इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, और इसमें देख लीजिए, इसमें अक्रिय गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें अक्रिय गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे हम तीसरा अंतर देखेंगे, इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदग्र स्तंभ है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इसमें 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदग्र स्तंभ है, और आधुनिक आवर्त सारणी में देख लीजिए, इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदग्र स्तंभ है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं और यहाँ पे 18 उदग्र स्तंभ हैं, लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 8 उदग्र स्तंभ है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा अंतर देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ दोष हैं। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इसमें कुछ दोष है, और इसमें देख लीजिए, इसमें मेंडलीफ के आवर्त सारणी के सभी दोषों को दूर कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।